व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नोवेयर इन अफ्रीका। आपने 2001 में आई लगान फिल्म ज़रूर देखी होगी और ये भी सुना होगा कि वो इंडिया की पहली ऑस्कर नॉमिनेशन मूवी थी, पर वो जीत नहीं पाई क्योंकि इस फिल्म को लगान की जगह ऑस्कर मिला था। ये स्टेफनी जोइंग की जिंदगी पर आधारित एक सच्ची कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ समय चल रहा है 1930 का और जगह है जर्मनी, जो उस समय की सबसे खतरनाक जगहों में से मानी जाती है क्योंकि ये समय है हिटलर की हुकूमत का, जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ज्यूज़ को मारा जा रहा है और उनके घर वालों को जॉब से निकाल दिया गया है और इतनी बुरी नौबत आ गई है कि उन्हें अपना देश छोड़कर कहीं और भागना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो जर्मनी में रहे तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन्हीं में से एक यहूदी रेडक्लिफ फैमिली है जिसमें स्टेफनी नाम की एक लड़की भी है। एक दिन उसके डैड वॉल्टर, जो कि एक पेशे से नामी वकील थे, उन्हें ज्यूस की वजह से काम से निकाल दिया जाता है। तो वॉल्टर को समझ आ गया था कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि आगे जाकर ये चीज़ और ज़्यादा भयानक मोड़ लेने वाली है क्योंकि हिटलर और उसके लोग ज्यूस से नफरत करते हैं और वो जब चाहे उन्हें मार सकते हैं, उन्हें घरों को जला सकते हैं और इसलिए उसे और उसकी फैमिली को यहाँ से जल्द किसी और देश जाना होगा। लेकिन स्टेफनी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी क्योंकि जर्मनी उसका देश है, वो यहीं पैदा हुई है, लेकिन यहाँ के लोग आखिर उसे क्यों नहीं जीने दे रहे हैं, उसे यहाँ रहने क्यों नहीं दे रहे हैं। उस समय पर वो सिर्फ 10 साल की है और उसे लग रहा है कि शायद उसके डैड का ट्रांसफ़र हो गया है, तभी वो ये जगह छोड़ कर जा रहे हैं। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इस देश का क्या हाल हो गया है, एक राक्षस बैठा हुआ है जो सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है। अब कुछ समय के बाद वॉल्टर अफ्रीका आ जाता है, जो कि उस समय पे एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, लेकिन उसके अलावा और किसी देश जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी क्योंकि सारे देश जानते थे कि जो भी हिटलर के दुश्मनों को रखेगा वो उसे तबाह कर डालेगा। अब वॉल्टर को वहाँ एक फॉर्म में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है, ये काम उसे सूट नहीं करता पर यहाँ उसकी मजबूरी है। फार्म का मालिक, जिसका नाम मॉरिसन है, उसे वहीं गाँव में रहने के लिए घर भी दे देता है, जिसके बाद वॉल्टर अपने पूरे परिवार को एक लेटर लिखता है कि उसे यहाँ एक घर और एक अच्छी नौकरी मिल गई है, आप सारे लोग यहाँ पर आ जाओ। पर उसके माता पिता और उसकी बहन को अभी भी लग रहा है कि जर्मनी के हालात ठीक हो सकते हैं, इसलिए वो वहीं रहने का फैसला करते हैं। पर वॉल्टर की वाइफ और उसकी बेटी ट्रेन से अफ्रीका आ जाते हैं क्योंकि यहाँ वॉल्टर को उनकी ज़रूरत थी, पर इतने बड़े और इतने डेवलप देश को छोड़कर आखिर स्टेफनी और उसकी माँ यहाँ रह पाएंगी, ये सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। अब जर्मनी से अफ्रीका तक का लंबा सफ़र करके जब ये फैमिली अफ्रीका पहुँचती है तो एमा को समझ आ जाता है कि यहाँ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ही कम बारिश होती है अगर जर्मनी से कंपेयर करें तो। और दूसरी चीज़ यहाँ के मच्छर, वो जर्मनी में नाजियों से तो बच के यहाँ आ गए थे पर यहाँ अफ्रीका के मच्छरों से नहीं बच पाएंगे, जिसका शिकार वॉल्टर भी हो चुका है। जब वो यहाँ शुरुआत में आया था तो इन मच्छरों ने उसकी जान लेने वाली हालत बना दी थी। वो मलेरिया से जूझ रहा था, उसने सारी दवाइयाँ ली लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तभी वहाँ का एक लोकर, जो वॉल्टर का कुक भी है, उसने अफ्रीका की कुछ जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, तब जाके उसे आराम मिला। और यही वजह है कि उसने एमा को लेटर में मच्छरदानी लाने का ज़रूर लिखा था। अब बीच रास्ते में एमा देखती है कि जानवर प्यास के मारे मर रहे हैं, उसे ये सब देख के बहुत ही अजीब लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर भी जाती है, लेकिन वो ये सब अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। अब वॉल्टर अपनी फैमिली से मिलके बहुत ही खुश होता है पर स्टेफनी को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती, यहाँ हद से ज़्यादा गर्मी थी। पर हम देखते हैं कि जब उसके पास ओवर आता है, जो कि वॉल्टर का कुक था, वो उसे देख के अपना सा महसूस करती है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी गोद में चली जाती है। ओवर को भी उससे काफ़ी लगाव था, वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता था। अब धीरे धीरे करके पूरी फैमिली गांव में रहने लग जाती है, वहाँ के हालातों में खुद को ढालने की कोशिश करती है। अब वॉल्टर भी अपनी जॉब पे अच्छे से काम करने लग गया था। कुछ दिन में वो एमा को पूरा गांव घुमाने लेके जाता है पर यहाँ पानी की बहुत ही किल्लत है, जिस वजह से फार्म का मालिक मॉरिसन उसे बहुत सुनाता है और उसे पानी के कुएँ को खोदने के लिए कहता है ताकि जानवर ना मरे और उनका नुकसान ना हो। वहीं दूसरी तरफ एमा जर्मनी से लाए हुए सामानों को शिफ्ट कर दिया, जिसमें ओवर उसकी मदद करता है, जो कि एमा को बहुत पसंद आता है। ओवर भी अब इस फैमिली को अपना मानने लग गया था। अब एक दिन सभी लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं पर उनके साथ ओवर नहीं रहता, वो उनसे दूर बैठा रहता है क्योंकि वो एक नायरगो है, यानी कि एक ब्लैक है, जिस वजह से वो वाइट लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। ये देख के स्टेफनी को बहुत बुरा लगता है, वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो दूर क्यों बैठा है।
अब धीरे धीरे एमा को समझ आने लगता है कि वो यहाँ रहने के लिए नहीं बनी, वो बस कुछ ही दिन यहाँ रह सकती है, हमेशा के लिए नहीं। वो ये बात वॉल्टर से कहती है कि उसे यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो रही है, ना तो यहाँ नहाने के लिए पानी है और ना खाने को खाना। हम यहाँ इतने दिनों तक कैसे रह सकते हैं, हमें दोबारा जर्मनी चले जाना चाहिए। तो वो कहता है कि जर्मनी की हालत बहुत ही ख़राब है, वहाँ ज्यूस को मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी और जलाई जा रही है, कम से कम हम यहाँ पर ज़िंदा तो हैं। वो उससे कहता है कि कुछ दिन बीत जाएंगे तो तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगने लग जाएगा, मेरे साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था। अब वहीं दूसरी तरफ स्टेफनी को ये जगह धीरे धीरे पसंद आने लग गई थी, उसका टाइम ओवर के साथ ही बीतता था, वो उसके साथ खेलती, उसके साथ घूमती और ओवर उसे पूरे गाँव घुमाता था, वहाँ के रिवाजों और लोगों के बारे में उसे पूरी जानकारी देता था, जो कि वो काफ़ी अच्छे से सुनती थी और इसे एंजॉय करती थी। लेकिन अभी तक वहाँ उसने कोई भी दोस्त नहीं बनाया था, वो दूर से खड़े होकर अपने उम्र के बच्चों को देखती थी पर उनके पास जाने से डरती थी। अब शुरुआत में जब स्टेफनी यहाँ आई थी तो उसे लगता था कि ओवर की स्किन डार्क चॉकलेट से बनी है, क्योंकि वो एक ब्लैक था उसने। लेकिन उसने दुनिया वालों की तरह उसे दूर नहीं भागी बल्कि उसे अपना मान लिया। इसलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें हर कोई एक जैसा लगता है। वहीं दूसरी तरफ एमा भी पानी की मुसीबत से परेशान थी, वो कुछ सब्जियाँ उगाने की कोशिश करती है लेकिन ज़मीन बहुत ही ज़्यादा सूखी है, इसलिए वो बॉक्सेस को लेकर पानी भरने जाती है। वो पानी तो भर लेती है पर उन बॉक्सेस को उठाने में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, जिससे कि वो ओवर को आवाज़ लगाती है पर वो उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस गाँव में ये रिवाज है पानी हमेशा औरतें ही भर के लाएंगी। लेकिन ओवर एमा की मदद करने के लिए आगे आता है, जिसे वहाँ बैठी सारी औरतें उस पर हंसने लगती है और कहती हैं कि ओवर मुझसे भी पानी नहीं उठ रहा, क्या तुम मेरा पानी भी उठा दोगे। लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से घर आ जाता है। अब कुछ दिन बाद सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी अचानक से उनके घर के पास पेड़ों में गर्मी की वजह से आग लग जाती है और इसे देख के एमा बहुत ही घबरा जाती है और गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने घर जर्मनी वापस जाना है, यहाँ पे इंसान को जीने लायक कुछ भी नहीं है, हम लोग बिना पानी के प्यासे ही मर जाएंगे, कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे, कम से कम जर्मनी में हमारे लोग तो हैं और पीने को पानी तो है। तो वॉल्टर कहता है कि जर्मनी 20 साल पहले जैसा था अब वो जर्मनी नहीं रहा है, सारी चीज़ें बदल चुकी है, वहाँ पे एक तानाशाह राज कर रहा है जो बेकसूर लोगों को मारता जा रहा है। और आज सुबह मैं रेडियो पे सुन रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि हिटलर ने सारे यहूदियों को मार डाला है, उनके घर, उनके दुकानों को, यहाँ तक कि उनके प्रार्थना घरों को भी जला दिया है, अब वहाँ रहने लायक कुछ भी नहीं बचा है, जैसे मैंने कुछ महीनों पहले सोचा था वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि हिटलर कितना ज़्यादा राक्षस किस्म का इंसान था, उसने इतने लोगों को मारा है जिससे कि उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो कहता है कि यहाँ खाने को पीने को पानी नहीं है लेकिन हम कम से कम यहाँ पर ज़िंदा तो हैं। एमा भी समझ जाती है कि अब उसे यहीं रहना होगा, इसलिए वो अपना यहीं घर बसा लेती है। अब पूरे एक साल बीत जाते हैं जब पूरी फैमिली अब धीरे धीरे खुशी से रहने लग गई थी। वहीं ओवर ने भी अब स्टेफनी की वहाँ रहने वाले बच्चों से दोस्ती करा दी थी, वो पहले उन्हें दूर खड़े होकर देखती थी पर आज वो उनके बीच में है, उनसे बातें करती है और उनके साथ खेलती भी है। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी उम्र से बहुत बड़ा है, वो है ओवर, जो कि उसे एक जगह लेके जाता है जहाँ बारिश के देवता के लिए एक बकरी की बलि दी जा रही थी ताकि यहाँ जल्द से जल्द बारिश हो सके। और ये नज़ारा देखकर स्टेफनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है पर ओवर उसे समझाता है कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। और इधर एमा नेग्रो बच्चों से इतना लगाव देख के वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें उन बच्चों से दूर रहना होगा, पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं उनके साथ बस खेलती हूँ। पर एमा को कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर की टेंशन होने लगी थी, यहाँ रहते हुए उसकी पढ़ाई लिखाई सब छूटने लगी थी, वो स्कूल भी नहीं जाती थी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके कुछ कर नहीं पाएगी, पर इस समय पे वो कुछ कर भी नहीं सकती, वो मजबूर है। अब यहाँ में एक और बात पता चलती है कि इंडिया जैसे बड़े देशों के साथ अफ्रीका पर भी ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है, मतलब ये ब्रिटिशर्स ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा। वेल गाइज, अब एक आम दिन की तरह स्टेफनी औरू के साथ खेल रही होती है पर तभी अचानक से दो गाड़ियां आती है जिसपे कुछ ब्रिटिश सोल्जर तैनात थे और उन्हें देखकर ओवर स्टेफनी को लेके अंदर चला जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे अपने साथ लेके ना चले जाए। पर उसे ये नहीं पता था कि कुछ देर बाद उसका ये डर हकीकत में बदलने वाला था। वो ब्रिटिश सैनिक कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप लोग जर्मनी से आए हैं यहाँ भागकर और इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली हमारे साथ दे जर्मनी को हराने में, इसके बदले में हम आप लोगों को अच्छा खाना पीना और अच्छे कपड़े भी देंगे। अब ये सुनकर वॉल्टर मान जाता है और उनके साथ चला जाता है क्योंकि अगर वो जर्मनी को हराने में मदद करेगा तो शायद वो अपने देश वापस जा सके।
अब कुछ दिन बाद वॉल्टर का दोस्त आता है और उसकी फैमिली को अपने साथ लेके जाता है, पर यहाँ से जाना स्टीफनी के लिए इतना आसान नहीं था। उसके यहाँ इतने दोस्त, इतनी यादें थी और उसका सबसे अच्छा दोस्त ओवर भी यहीं पर मौजूद था, पर आज उसे सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना होगा। वो नम आंखों से ओवर को अलविदा कहती है और चली जाती है। उसकी नज़र उससे हटी नहीं रही थी, पर शायद आज वो उसे आखिरी बार देख रही हो। अब सीन कट होता है और हम ब्रिटिश कैंप को देखते हैं, जहाँ पे दुनिया के हर कोने से लोग आए हुए हैं, जिसमें कुछ हिंदुस्तानी भी होते हैं। वो सारे लोग वहाँ गुलामी किया करते थे। अब वहाँ पहुँचने पे स्टेफनी और एमा को एक अच्छा रूम दिया जाता है, जहाँ वो अब से रहेंगे। उनकी तरह और भी यहाँ पर फैमिलीज रहती है, जिनके हस्बैंड ब्रिटिश आर्मी को सर्व करते हैं। अब यहाँ कुछ दिन बाद पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार इन लोगों को एक जंग में भेजने वाली है। ये सुनकर एमा घबरा जाती है और एक सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और वॉल्टर को वहाँ के करीब में किसी फार्म में नौकरी लगवाने की सिफारिश करती है, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर ये कह के मना कर देता है कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अब एमा उदास होकर वहाँ अपने कमरे में आ जाती है, पर उसे वहाँ एक सोल्जर मिलता है जो वॉल्टर का दोस्त था। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा काम नहीं हुआ, पर मेरा एक दोस्त आर्मी में है जो वॉल्टर की जॉब उसके फार्म पे लगवा सकता है, पर इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। सो फाइनली एमा ने वॉल्टर की जॉब एक फार्म पर लगवा दी थी। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पूरी फैमिली उस फार्म के लिए निकल जाती है। ये जगह पहली वाली जगह से काफ़ी अच्छी थी और एमा के लिए सबसे अच्छी चीज़ यहाँ थी कि यहाँ पर पानी की कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो जब चाहे पानी यूज़ कर सकती थी। अब एक दिन वॉल्टर खेत में एक ब्लैक से मिलता है, जिसे वो बताता है कि वो एक जर्मन है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ रहना पड़ रहा है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी मिट्टी को कभी मत छोड़ना। अब रेडक्लिफ फैमिली को यहाँ रहते हुए काफ़ी समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन वॉल्टर के पास उसके डैड का लेटर आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो लोग मुसीबत में हैं और उन्हें यहाँ बंदी बना लिया गया है। हिटलर ने सारे बॉर्डर बंद कर दिए हैं और बोलते हैं कि मुझे पहली बार यहाँ पर डर लग रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि ओवर इन लोगों को ढूंढते ढूंढते इनके घर आ जाता और बताता है कि मुझे पता चला है कि आप लोगों को एक कुक की ज़रूरत है। वो सारे लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और ख़ासकर स्टेफनी, उसे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अब एमा अब स्टेफनी को एक ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन करा देती है, जो उसके फार्म से काफ़ी दूर था, इसलिए वो उसे हॉस्टल भेज देती है। और उसे अपने से दूर जाते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार उसने अपनी बेटी को अपने से दूर भेजा था। जिस स्कूल में स्टेफनी का एडमिशन हुआ था वो एक ब्रिटिश स्कूल होता है और स्टेफनी वहाँ के स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है पढ़ाई में, और इसे खुश होकर वहाँ के प्रिंसिपल उसे एक स्टोरी की बुक भी गिफ्ट करते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक दिन एमा के पास एक लेटर आता है जो कि उसकी माँ का था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें अब पोलैंड भेजा जा रहा है, लेकिन तुम डरना मत, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये पढ़ते हुए एमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि एक न एक दिन नाजी उन्हें मार डालेंगे। अब उसी रात एमा और वॉल्टर के बीच बहस होती है, क्योंकि अब एमा को अपनी माँ के पास जाना था, पर वॉल्टर कहता है कि मेरे डैड भी मुसीबत में हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाना अपनी जान गंवाने के बराबर है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? वेल, वो उसे किसी तरह से समझा कर वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा था। अब अगले दिन वहाँ वॉल्टर का एक दोस्त आता है, जो उसे बताता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आर्मी में होना चाहिए था। जर्मनी के खिलाफ इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा हिटलर को हराने का। अब अगले दिन एमा देखती है कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो उसके घर वालों से कहती है कि इसे घर में लेके चलो, तो वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि ये मेरी माँ है और अब ये मरने वाली है। यहाँ का रिवाज है कि जो भी मरने वाली होती है उन्हें हम घर में नहीं रखते। ये सुन के एमा पूरी तरह से दंग रह जाती है कि आखिर ऐसे भी लोग इस दुनिया में कैसे हो सकते हैं। अब उस औरत को छोड़ के जाने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और अब हम यहाँ देखते हैं कि वॉल्टर ने एक बार फिर से आर्मी ज्वाइन कर ली है। वह एमा से नैरोबी चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो ओवर के साथ ही रहेगी, उसके जाने के बाद वो उसका फार्म को संभाल लेगी। अब उसके मना करने के बाद वॉल्टर फाइनली आर्मी में भर्ती हो जाता है और दोनों ने उसी काम को चुना जो उन्हें पसंद था। अब एक दिन जब स्टेफनी घर आती है तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, हम ज्यूस क्यों हैं? मुझे स्कूल में बच्चे सब ज्यूस कह के चिढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हमने ही भगवान के बच्चे को मार डाला था। वो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम यहूदी यानी कि ज्यूस से पहले एक जर्मन है और भगवान ने हमें एक जैसा ही बनाया। यहाँ के लोगों ने धर्म बनाया और उसके नाम पर लड़ने लगे। ये सब तुम मत सोचो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
इसके बाद वो दोनों गांव के मेले में जाते हैं जहाँ पे सारे नेग्रो लोग एक साथ थे और उनके बीच स्टेफनी और एमा भी होती हैं। और वहाँ स्टेफनी को वही लड़का दिखता है जिसे वो पसंद करती थी। अब यहाँ समय चल रहा है 9 मई 1945। वॉल्टर छुट्टी पे घर आता है और वो एमा को बताता है कि अब जर्मनी से जंग खत्म हो गई है। ये जानकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, पर वो कहता है कि मुझे एक टीचर का लेटर मिला है जो कि डैड के बारे में था। वो बताता है कि उन्हें नाजीज ने बहुत मारा जिससे डर के वो एक स्कूल में जाके छुप गए, पर वो ज़्यादा दिन तक वहाँ बच नहीं पाए। दो और नाजीज लोगों ने उन्हें जान से मार डाला, लेकिन मेरी बहन लिजी बच गई और उसने एक आदमी से शादी कर ली। अब वॉल्टर थोड़े दिन में वापस आर्मी में चला जाता है और 1.5 साल बाद उसे एक और लेटर मिलता है जो कि उसे जर्मनी से आया था, जिसमें लिखा था कि अब वो वापस जर्मनी आ सकता है और उसे यहाँ जज की पोस्ट के लिए अप्रूव कर दिया गया है। अब वो अपने देश अपने मुल्क वापस आ सकता है, पर अब यहाँ उसे स्टेफनी और एमा को मनाना पड़ेगा, जिसके लिए वो सबसे पहले स्टेफनी के पास जाता है। पर वो कहती है कि मेरी एक शर्त है, हम अपने साथ ओवर को भी लेके जाएंगे, लेकिन वॉल्टर उसकी ये शर्त मना कर देता है। अब वो यहाँ से सीधा घर आता और एमा से झूठ कहता है कि आर्मी चाहती है कि हम सारे सैनिक अपने देश चले जाएं। ये सुन के एमा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुमने हमारे बिना ये सब कैसे सोच लिया, मैं यहीं रहूंगी और मेरा यही डिसीजन है। तुम वापस जर्मनी उसी देश जाना चाहते हो जहां के लोगों ने हमारे माँ बाप को मार डाला, और मैं वहां नहीं जाऊंगी। वेल, किसी तरह से ये दिन गुजर जाता और अगले दिन एक नया साल शुरू होता है 1947। उस दिन पूरी फैमिली एंजॉय करती है और रात में वॉल्टर एक बार फिर उसे समझाता है कि जहां हम रह रहे हैं ये हमारा देश नहीं है, हम इसके एहसानमंद हैं, इसने हमारी जान बचाई, पर हमें इसे छोड़कर जाना होगा। लेकिन एमा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, वो तो फार्म की बातों में उलझी हुई थी, और ये देखकर वॉल्टर चुप हो जाता है। अब अगले दिन वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, एमा और स्टेफनी को छोड़कर जर्मनी के लिए निकल जाता है। उसे जाते देख स्टेफनी कहती है कि आप रुक जाइए, मॉम को आपकी ज़रूरत है, पर वो कहता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ सब संभाल लेंगी। अब यहाँ वो एक और बात से दुखी था, क्योंकि वॉल्टर के ना रहने से एमा उसके दोस्त को पसंद करने लग गई थी, और ये वॉल्टर देखकर समझ गया था, इसलिए वो एमा पर और ज़्यादा गुस्सा था। अब वो स्टेफनी को रोकने से भी नहीं रुकता और जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उसकी जीप पे कुछ टिड्डे आके चिपक जाते हैं। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि टिड्डों का झुंड गांव की तरफ आ रहा है। सारे लोकल्स लोग चिल्ला चिल्ला के अपने आसपास लोगों को बुलाते हैं, और एमा भी भागते हुए अपने खेतों में आ जाती है। उन लोगों को परेशान देखकर वॉल्टर से रुका नहीं जाता, वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करने चला जाता है। वो सभी मिलकर टिड्डों को भगाने लगते हैं क्योंकि वो सारे अनाज को खा रहे थे। उसे मदद करता हुआ देखकर एमा बहुत ही खुश होती है कि वो उसे छोड़कर वापस नहीं गया। अब रात होने पे वो वॉल्टर को प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे लिए रुके, पर अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे जर्मनी, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारे लिए और कोई अच्छा सोच नहीं सकता। ये फैसला एमा के लिए बहुत ही मुश्किल था, पर यह उनका देश नहीं है, उन्हें कभी ना कभी तो यहाँ से जाना ही होगा। अब एक रात जब वॉल्टर ओवर के कमरे में जाता है तो देखता है कि वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो वो बताता है कि कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमारे धर्म में एक रिवाज है कि एक बार आदमी को सफारी डिजर्ट पे जाना होता है। अब वॉल्टर ये बातें सुन के उसे एक तोहफे में रस्सी देता और कहता है कि इसे रख लो, ये तुम्हें हमारी याद दिलाएगा। लेकिन ओवर कहता है कि आप लोग हमेशा मुझे याद रहोगे, आप लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अब ये सब बातें स्टेफनी सुन लेती है, और अगले दिन जब ओवर जाने वाला होता है तो वो उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है, सेम उसी तरह से जब उसने पहली बार उससे मिली थी। स्टेफनी और ओवर का एक अनोखा रिश्ता था जो कि सबसे अलग था। जब वो केने आई थी तो यहाँ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, तब उसका सबसे पहला दोस्त ओवर था और उसने अपना पूरा बचपन उसके साथ बिताया था, पर आज वो उसे हमेशा के लिए दूर जा रहा है। उसे जाते देखकर वो रोने लगती है, पर हर किसी को एक ना एक दिन अपनों से दूर जाना ही होता है, यही सच्चाई है। वेल गाइस, थोड़े दिन बाद ये लोग जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। अब बीच रास्ते में जब उनकी ट्रेन रुकती है तो एमा बाहर केला बेच रही एक औरत से कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे केले दे सकती हो? तो वो लेडी उसे बिना पैसों के ही केला दे देती है। यहाँ में दिखाया जाता है कि चाहे इंसान कैसा भी हो दिखने में, उसे आप उतनी ही इज्जत दे जैसी कि आप औरों को देते हैं, जिसके बदले में वो इंसान आपको अपना दिल निकाल कर भी दे सकता है। एमा उसके हाथों को कुछ इस तरह से छूती है जैसे कि वो किसी को आखिरी विदाई दे रही हो, और ये आखिरी विदाई उसने अफ्रीका को दी थी, उसने जो यहाँ सालों तक रह के यादें बनाई थी उसे दी थी।
इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही खत्म हो जाती है। तो इस कहानी में आपको एक चीज पता चल गई होगी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, महंगी से महंगी जगह पर क्यों ना चले जाए, आपको जो सुकून चाहिए वो आपको अपने घर अपने देश में ही मिलेगा। तो यही कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।